Now this is what is called my fever. अभी इस फीवर जो चढ़ता है तो उतरता नहीं, बस चढ़ता ही जाता है. म्यूजिक इसकी वजह है और म्यूजिक ही इसका इलाज. लेकिन मैं क्यों गाऊं आप लोगों के लिए एक और गाना? वैश्वर्या सिंह मनमोह सॉन्ग मैं गाता हूं क्योंकि क्योंकि म्यूजिक मेरा पैशन है. पर मैं आप लोगों के लिए गाऊं, मुझे इसकी कोई वजह दो. गिव मी अ रीजन. मैंने आप लोगों को आज तक इतनी खुशी दी, बदले में आप लोगों ने मुझे क्या दिया? व्हाट हैव यू डन फॉर मी? आप लोग टेंशन मत लीजिए दादी, इससे पहले कुछ भी बोले मैं इसको जाके रोकता हूं. आप लोगों ने आज तक मेरे लिए जो नहीं किया ना, वो आप करना पड़ेगा. म्यूजिक मेरे दिल में बसता है, ये मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं आप लोगों के दिल में बसता हूं, ये आज आप लोगों को प्रूफ करना हो. क्या हुआ, कंफ्यूज कि मैं आप लोगों से क्या करवाने वाला हूं? डोंट वरी, मैं आप लोगों से कुछ नहीं करवाने वाला. बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर. बेटा दिल छोटा क्यों करती है? हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा ना. सब ठीक हो जाएगा दादी, सब कुछ तो और उलझता जा रहा है. कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या. तनु पे नजर रखूं या इन्हें संभालूं, क्या करूं? दादी अगर इन्होंने वाकई अनाउंसमेंट कर दी ना तो मुझे नहीं पता क्या होगा. अगर जैसा ये कह रहे हैं कि इनके फैंस ने इनका साथ दे दिया और मेरे खिलाफ हो गए, मेरे खिलाफ धरना कर दिया, तो मैं क्या करूंगी? उन फैंस को तो यही लगेगा ना कि सिर्फ मेरी वजह से इनकी और तनु की शादी हो रही. वो मुझसे नफरत करेंगे और चाहेंगे कि किसी भी तरह इन दोनों की शादी हो जाए. फिर मैं क्या करूंगी? दादी अगर इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया ना तो मैटर हाथ से बाहर निकल जाएगा. मुझे कुछ आप कहिए, अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या करती? तनु पर नजर रखती या इन्हें संभालती? सब कुछ दी, आप टेंशन मत लीजिए. मैंने अभी से बात करी और उसको बातों में उलझा लिया है. वो अभी अनाउंसमेंट नहीं करेगा. इनफैक्ट हमें रास्ता भी मिल गया जिससे वो अनाउंसमेंट कुछ टाइम तक करेगा ही नहीं. कैसा रास्ता? जी मैंने उससे जाके कहा है कि अगर वो अनाउंसमेंट करेगा तो उसके साथ तनु का भी होना जरूरी, क्योंकि बिना तनु के अगर वो ये अनाउंसमेंट करेगा तो उसके फैंस तो उसको सीरियसली लेंगे नहीं, उल्टा हंसेंगे उसको. तो जब तक तनु होएगी नहीं वो अनाउंसमेंट कैसे करे? अब हमें सिर्फ एक ही काम करना, किसी भी तरह उस तनु को उस स्टेज पे पहुंचने से रोक. तनु होगी नहीं तो अनाउंसमेंट नहीं होगी, और अर्थी अगर अनाउंसमेंट नहीं होगी तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तनु, उस गार्ड को भी अभी आना था. कौन है अभी वैलिटी में क्यों जा रही? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी ना, वो उस ब्लैकमेलर से मिलने जा रही है. पर हमने तो ब्लैकमेलर को कोई टाइम ही नहीं दिया, ये घर क्या रहे हैं? पता नहीं, शायद चेक करने गए होंगे कि ये जगह सेफ है या. ये आदमी जो भी है अपना बुर्का क्यों नहीं उठा रहा? शक्ल तो दिख ही नहीं रही. ये दोनों क्या कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा.
प्लीज नकाब हटाओ, बस एक बार चेहरा दिखाओ कि तुम निखिल ही हो। ये वैनिटी में एक ही कैमरा लगा है। ये जगह सही है, अगर यहाँ पर हम कैमरा लगाएंगे सीधा वहां से अगर कोई भी आए तो उसका चेहरा नजर आ जाएगा। तुम्हें कुछ दिखाई भी दे रहा है, हटाओगे इसे तभी तो कुछ दिखाई देगा ना, हटाओ। तुम ये भी तो कह सकती थी कि मेरा चेहरा देखने के लिए बेताब हो रही हो तुम, यू घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत थी। तुम्हारा चेहरा नहीं, मैं वो दिन दिखने के लिए बेताब हूं जब तुम मेरी लाइफ से परमानेंटली चले जाओगे। ये तो कैमरा लगा रहे हैं, वो तो हमें भी दिखना है। तू तो एक बात बता, तूने वो दूसरी साइड पे कैमरा क्यों नहीं लगा? अगर तुम दूसरा कैमरा लगाते तो हम उसका चेहरा दिख पाते ना। सॉरी भाई। क्या कर, कहा हो तो? तुम्हारी वजह से मैंने इतना अच्छा मौका खो दिया, तुम हो का? अभी मैं यहीं पर कॉन्सर्ट एरिया में, वो एक प्रोड्यूसर मिल गया, वो इतनी बातें कर रहा है, मुझे भी जाने ही नहीं दे रहा। वो आने नहीं दे रहा का क्या मतलब है? तुम्हें पता है यहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार करूँ और तुम हो की? ये तनु किससे बात कर रही है और इतनी परेशान क्यों है? दादी शायद इनका फोन है। वो देखिए इनकी परफॉर्मेंस तो खत्म हो गई, मतलब ये तनु को फोन कर रहे, शायद स्टेज पे बुला रहे। हमें जल्द कुछ करना होगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कहते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप लोग एक काम करिए, आप और दादी ये अभी वाले मॉनिटर पे नजर रखिए, मैं और रोनी जाके तनु को किसी भी तरह स्टेज पे आने से रोक। हाँ जल्दी जाओ बेटा। मुझे पता है ना इस बार तुझे क्या करना। हाँ भाई, इस बार शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब अगर 5 मिनट में तुम यहाँ पर नहीं आएगी ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, समझी तुम? नो 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 प्लीज प्लीज, मैं 5 मिनट से पहले वहां पे पहुंच जाऊंगी, प्लीज तुम अपसेट मत हो, प्लीज। ओके अभी का फोन आया था, वो मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है, मुझे उसके पास जाना होगा, उसे मनाना होगा। तुम एक काम करो, तुम कैमरा लगा और फिर मुझसे मिलो। ओके हाँ, बस 2 मिनट लगेंगे कैमरा लगाने के लिए, तुम जाओ। पर प्रज्ञा को विदाउट फेल कहना कि ब्लैक मिरर को यहाँ लाए। एग्जैक्टली अभी ओके ओके ओके। लेकिन अगर अनाउंसमेंट सुन के प्रज्ञा अपसेट हो गई तो, और उसने गुस्से में मेरी हेल्प करने से मना कर दिया तो मेरी ब्लैकमेलर से डील नहीं होगी, और वो कहीं यहाँ अभी को सारे सबूत ना दिखा दे। मुझे पहले प्रज्ञा से बात करनी होगी कि वो जल्दी से ब्लैकमेलर को बुलाए, उसके बाद अभी से मिलती हूँ। पूरा भाई हम फालतू की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब जिसे हम ढूंढना चाहते हैं वो वैनिटी के अंदर है, और मैं तो कहता हूँ कि हम 2 लोग हैं। एक काम करते हैं, वैनिटी का दरवाजा तोड़ के अंदर चलते हैं और उसकी ठीक से पिटाई लगाते हैं, और उस बीच हम उसका चेहरा भी देख लेंगे, और कोई आया तो बोल देंगे कि एक चोर घुसा है बुरखा पहन के, बात खत्म। तो फिर सोचना कैसा, शुरू हो जाइए। हाँ बहुत हो गया छुपन छुपाई का खेल, बहुत परेशान कर लिया इसने। इंसान से ना मैं गिन गिन के बदला लूंगा, बस मुझे रोक के रखना, कहीं उसकी जान ना ले लो। चल चल क्यों नहीं रहा? तनु ही होगी, हमेशा कंफ्यूज रहती है, अब पता नहीं क्या पूछने आई है, पर मैं दरवाजा काम होने के बाद ही खोलूंगा, बस काम तो हो ही गया है। नहीं मुझे लगता उसने डोर अंदर से लॉक कर ली। वैनिटी के अंदर एक इमरजेंसी डोर होता ना, तो वहां से अंदर चलते। नहीं रोनी, यही डोर है और कोई डोर नहीं है। तो ये तो बंद है, अंदर कैसे जाएंगे हम लोग? हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग बाहर।
पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।